Okay, good morning. So we are starting this new batch of FM today. इस बैच का नाम है बैच नंबर 20 भी, बैच नंबर याद रखिएगा. फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आता है. कुछ हमारे दोस्त इसमें 20A वाले भी बैठते हैं, बिकॉज उन्होंने 20A को लेट में ज्वाइन किया था, तो उनकी कुछ क्लासेस 20B में कराई जाती हैं. ये बैच हम लोग फोकस कर रहे हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अपकमिंग एग्ज़ाम्स ऑफ नवंबर में, जो CA का एग्ज़ाम होगा नवंबर 20 में, एज वेल एज जिनका CA का एग्ज़ाम मई 21 में होगा. उसी तरह से ये बैच फोकस किया जाएगा दिसंबर 20 में जिनका एग्ज़ाम है CMA का, या फिर जून 21 में जिनका एग्ज़ाम है. ठीक है, इस बैच में आपको CA वाले स्टूडेंट्स को FM की दो बुक मिलेंगी. ध्यान रखिएगा, एक बुक का नाम है एलिमेंट्री FM और दूसरे बुक का नाम है एडवांस FM. CMA वाले स्टूडेंट को सिर्फ एक ही बुक मिलेगी जिसका नाम है एलिमेंट्री FM. CS एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स अगर बैठे हुए हैं तो उनको भी दो बुक मिलेगा, एक एलिमेंट्री और एक एडवांस. ओके, सो सब अपना अपना बुक जान जाएंगे. अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मिल जाएगा. ओके, सो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सिर्फ CA में है, इसलिए एडवांस FM बनाया गया. कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो CMA में ही है सिर्फ, बाकी में नहीं है, तो उसके लिए अलग से बुक नहीं है, इसी में ही वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स डाले हुए हैं. एक्स्ट्रा चैप्टर्स इसी में डाले हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कंटेंट में कि इसमें क्या है नहीं है. ओके, अच्छा एक चीज़ बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने लोग के लिए आज पहला सब्जेक्ट है, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, लार्ज नंबर. ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थोड़ा सा मुझे बेसिक्स भी बताना है आज आपको. फाइनेंस क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस मतलब क्या होता है? मनी. वेरी गुड, मनी मैनेजमेंट. फाइनेंस मैनेजमेंट इज एज गुड एज मनी मैनेजमेंट, रुपया पैसा का मैनेजमेंट. कॉमर्स लिए किस लिए? एक्चुअली कोई भी पढ़ाई किस लिए करते हैं? अल्टीमेटली पैसा ही कमाने के लिए, है ना? पैसा तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो गया, बट एक्चुअली मनी, मनी अर्न करने के लिए. बट रूल क्या है जिंदगी का, कि मनी हर किसी के पास आता नहीं. दुनिया के जो सबसे बड़े पढ़े लिखे लोग होंगे उनके पास बहुत पैसा होगा, ऐसा है क्या? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना. मनी हर किसी के पास आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है, टिकता है तो बढ़ता नहीं है. क्या समझे? तो पहला तो मनी लाना पड़ेगा, फिर दूसरा टिकाना पड़ेगा, टिकाना है तो फिर बढ़ाना भी पड़ेगा. करेक्ट, बढ़ा लेते तो फिर मनी को यूज़ करना नहीं आता है, बढ़ते रहता है बट पड़ा रहता है. तो बढ़ाना भी पड़ेगा तो फिर उसको सही काम पे लगाना भी पड़ेगा, है ना? मतलब कितना काम है, मनी को पहले लाना है, क्या बोलते हैं, सोर्सिंग, सोर्स करना पड़ेगा. करेक्ट, फिर उसको टिकाना है, सस्टेन करना पड़ेगा, फिर उसको ग्रो कराना है. करेक्ट, फिर उसका सही यूटिलाइजेशन भी करना है. ग्रो भी हो गया उसके बाद, उसको अगर सही जगह से यूज़ नहीं करोगे तो वो रुपया चला जाएगा. राइट, मनी बढ़ा के क्या होगा, अल्टीमेटली कहीं तो काम में लगाना है. अच्छा,
आप पर्सनल एंगल से भी सोच सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में, बट एक्चुअली सिलेबस जो बनाया गया है वो आपको सोचना है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एंटिटी जो रुपया पैसा के लिए ही काम कर रहा है, करेक्ट। पर्सनल लेवल पे क्या होता है ना कि बहुत सारी बातें जो कंपनी लेवल पे लागू होती है वो पर्सनल लेवल पे लागू नहीं भी हो सकती। जैसे कि सोचो, मुझे रुपया बढ़ाने का कोई चिंता नहीं, मेरे पास बहुत रुपया है, मुझे मेरा टिक जाए वही बात है। पर्सनल लेवल पे मुझे रुपया सोर्स करने का कोई जरूरत नहीं। बट एक कंपनी के एंगल से क्या होता है, कंपनी को हम लोग ही जन्म देते हैं, हम लोग कौन, इंसान लोग जन्म देते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं। किस लिए, कोई एक मोटिव होता है कंपनी का, क्या प्रॉफिट कमाना। इन जनरल मोटिव क्या होता है कंपनी का, प्रॉफिट कमाना। हम लोग चैरिटेबल कंपनी नहीं चला रहे, इमेजिन करिए। तो उस कंपनी को चलाने के लिए रुपया चाहिए, मनी चाहिए। तो मनी आएगा कहाँ से, कौन लाएगा बोलो, मनी कहाँ से आएगा, पहला सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आएगा, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स मनी मतलब इट इज एज गुड एज ओनर्स मनी। तो कंपनी चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, रुपया का फंडिंग करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्सिंग। रुपया को लाना पड़ेगा। तो सोर्सिंग का पहला सोर्स क्या होता है, शेयर होल्डर। बट शेयर होल्डर मनी से ही कंपनी नहीं भी चल सकता है। मेनी टाइम शेयर होल्डर के पास काम करने का जज्बा है, आइडियाज है, शेयर होल्डर मैनेजर भी बन जाएगा। कुछ शेयर होल्डर मैनेजर बनते, सारे शेयर होल्डर नहीं बनते। कंपनी का एमडी बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, कंपनी को चलाने का कोशिश करेगा, करेक्ट। बट कुछ शेयर होल्डर खाली पैसे लगा के छोड़ देंगे, ऐसे भी होते हैं ना, आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत लॉ वगैरह में, कंपनी के बारे में सब 11-12 में भी आता है, आपका कॉमर्स थोड़ा बहुत जानते हैं। तो क्या होता है, रुपया शेयर होल्डर को अपना लेके आया, शेयर होल्डर कंपनी का मालिक भी बन जाता है, होता है ना ऐसा। शेयर होल्डर कंपनी का मैनेजमेंट भी देख सकता है, बट सारे शेयर होल्डर को अधिकार नहीं दिया जाता। कुछ शेयर होल्डर्स को खाली रहेगा कि आप रुपया दो, साल के एंड में हम डिविडेंड देंगे, या फिर आप अपना शेयर बेच के जो कमा सकते हो कमा लेना। तो एक है शेयर्स, बट उससे सारा काम नहीं होगा, तो अदर सोर्सेज में जाना पड़ेगा, जैसे कि लोन लेना पड़ेगा। लोन के वह बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग फॉर्म से लोन लेना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे तो लोन आएगा, रुपया आया फिर उसका क्या करना है। हाँ, रुपया तो आ गया, फिर क्या करें, इन्वेस्ट करेंगे। क्या चीज में इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। ये कंपनी क्या चीज का बिजनेस करती है वो पता होना चाहिए, वो अपना मेन बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। जैसे अगर ये कंपनी मान लीजिए कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो ये कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करेगा, उसके लिए मशीनरी लाएगा, उसके लिए रॉ मटेरियल्स लाएगा, उसके लिए वर्कर हायर करेगा, और उसके लिए ऑफिस ऑफिस भी बनाएगा। फिर वो बिजनेस करके इनकम कमाएगा, करेक्ट। तो जो इनकम आया वो इनकम आना भी चाहिए, मतलब खाली रुपया मैं जुगाड़ कर लिया, दैट्स नॉट फाइनेंस मैनेजमेंट। रुपया आना चाहिए, उससे इनकम होना चाहिए। इन रुपया को यूज़ किया, क्या किया, यूटिलाइजेशन बोलते हैं हम इसको। कहाँ यूज़ किया इसको, यूटिलाइजेशन किया। यूटिलाइजेशन किया मतलब हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया। कहाँ यूज़ किया, प्रोजेक्ट्स में, ओके। अब प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने के बाद क्या हुआ, उसमें इनकम आया, इनकम जनरेशन भी होना चाहिए। इनकम नहीं आया, नहीं सरप्लस नहीं बचा, तो फिर रुपया देने का फ़ायदा क्या हुआ। फिर ये इनकम को ग्रो भी कराना है, इनकम को ग्रो कराना है, ग्रो द इनकम। ग्रो कराना है मतलब आज ग्रो कराया, कल नहीं कराया तो भी नहीं चलेगा, कंटिन्यूअस ग्रोथ लाना है। इसको अपने बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐसा कोई तरीका से कमाओ जिससे कि ग्रोथ एक बार में छप्पड़ फाड़ के ना आए, हर साल थोड़ा थोड़ा आए। सस्टेनेबल ग्रोथ लाना है। सस्टेनेबल ग्रोथ लाने के लिए मेनी टाइम्स आज जो बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आ भी रहा होता है उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हम आज तो बहुत कमा लेंगे, कल नहीं कमा पाए तो शेयर होल्डर लोग क्या सोचेगा कि हम लोग उनका रुपया लेके एक दिन नहीं कमाए, रोज रोज नहीं कमा पाए, करेक्ट। सोचो, आपको बोला गया घर के लिए कमा के लाओ, और आप आज गए एक साथ 6 महीने का जो राशन पानी है उतना रुपया कमा के ले आया, बट उसके बाद 3 साल तक कमाने नहीं निकला। तो एक साथ 6 महीने का कमाया हुआ से अच्छा बेटर क्या है,
रोज थोड़ा थोड़ा ही कमाओ भैया, रोज का चले। इसके लिए कंपनियां बहुत मेहनत करती हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब आज जो ग्रोथ आया 10% का मान लो, तो हर साल 10% ग्रोथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साथ 100% ग्रोथ आ जाए फिर अगला बार ग्रोथ ही नहीं आए 10 साल तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनियां क्या करती है, अपना बिजनेस को ना अलग तरह से हैंडल करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इंडियन ऑयल वाला एक कैंपेन लॉन्च किया। कैंपेन में उसने दिखाया जगह जगह, आपने भी देखा होगा ये कैंपेन, कि पेट्रोल की बचत करें, इंजन सिग्नल पे बंद कर दें, अकेले गाड़ियों में न घूमें। ऐसा आपने कभी कैंपेन देखा होगा इंडियन ऑयल का, पेट्रोल की बचत करें। तो अब सोचने का बात है, धंधा के हिसाब से सोचो, मेरा बिजनेस क्या चीज का, पेट्रोल का। लोग पेट्रोल का बचत करने लगेंगे तो मेरा पेट्रोल बिकेगा क्या? हाँ नहीं बिकेगा ना। फिर भी मैं कैसा एडवर्टीजमेंट लॉन्च कर रहा हूँ, पेट्रोल की बचत करें। मतलब क्या बेवकूफ आदमी, जैसे सर कोचिंग क्लास चलाते हैं और बच्चों को बोल रहे कोचिंग क्लास ना लें, ऐसा कोई होता है क्या? ऐसा कोई कैंपेन करता है क्या? क्यों कर रहा है वो कैंपेन ऐसा? सोचो सोचो, क्योंकि पेट्रोलियम दुनिया में लिमिटेड है। आज आप लोग पेट्रोल ज्यादा यूज करेंगे, हम आज तो बेच पाएंगे क्योंकि आज मेरे पास है, बट फिर तो एक दिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा, तो मेरा एक कंपनी जो मुझे 100 साल तक चलाना है या 500 साल तक चलाना है, चलेगा कैसे? मेरे जो इम्प्लॉयज हैं, लाखों इम्प्लॉयज चारों तरफ मेरे ऊपर निर्भर हो रखे हैं, उन लोगों का जीवन भर मेरे को देखना है, वो मैं कैसे देखूंगा? आज मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, मेरा भविष्य का क्या होगा? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को आज ही खाली प्रॉफिट नहीं कमाना है, मेरे को तो सालों साल तक प्रॉफिट कमाना है। मेरे को ऐसा कोई काम मत दो कि आज ही मैं बहुत कमा लूँ, मुझे धीरे 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 कमाना है। सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब एक साथ सारा नहीं चाहिए, धीरे धीरे आए और हमेशा आते रहे, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो ये है हमारा सस्टेनेबल ग्रोथ का बात। आई होप मैं समझा पाया आपको सस्टेनेबल ग्रोथ क्या हो चीज़ होती है। ओके फिर ये सस्टेनेबल ग्रोथ लाकर जो रुपया बढ़ रहा है, वो रुपया जो बढ़ते रहता है, उससे एक ना कंफर्ट आता है जिसने रुपया दिया कंपनी को, कि ये कंपनी ठीक से वेल्थ रादर ठीक से फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। तो ये लोग जब इस कंपनी में रुपया दिए तो इनको कहीं ना कहीं शुरुआत में तो रिस्क लगता ही है ना, कि मेरा रुपया डूब गया तो वापस नहीं आया तो। बट जब ये देखते हैं कि कंपनी स्टेप नंबर वन यूटिलाइजेशन अच्छा किया, स्टेप नंबर टू इनकम भी जनरेट किया, स्टेप नंबर थ्री ग्रो किया और फिर ग्रोथ को सस्टेन कर रहा है, तो इससे क्या मिलता है पता है? जो उन्होंने आपको रुपया दिया उनका भरोसा भरोसा बढ़ जाता है, तो वो आपके पास अपना रुपया छोड़ने में डरते नहीं है, रिस्क महसूस नहीं करते। ठीक है, जब ये लेवल आपका कंपनी में अचीव हो जाए तब आपने फाइनेंस मैनेजमेंट किया। और अब जब ये रुपया आपको अपने भरोसे के ऊपर छोड़ देते हैं ना, अपने आपके भरोसे पर छोड़ देते हैं कि ठीक है आपके पास है तो चिंता क्या है, उस समय आपका एक और मिशन चालू हो जाता है। यहाँ तक के बाद एक और मिशन अब शुरू हो जाता है, जो हमारे FM का सोल ऑब्जेक्टिव होता है। उस मिशन का नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये सबसे सोल ऑब्जेक्टिव है FM का। पूरा FM किस लिए पढ़ते हैं? सिर्फ एक ही कारण से पढ़ते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स। व्हाट इज वेल्थ? वर्ड वेल्थ आपने सुना होगा, बट व्हाट इज वेल्थ? हिंदी में आप कुछ भी बोलिए, बट एक्चुअली उसको समझाने के लिए हम लोग को बोलना पड़ता है। वेल्थ एक ऐसा एसेट होता है जिसका वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगा। व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ मतलब आप ये मत सोचिए बैलेंस शीट में बहुत सारा जमीन जायदाद, ऐसा नहीं। जमीन जायदाद इज नॉट वेल्थ। वेल्थ मतलब एक ऐसा काम या ऐसा एसेट, ऐसा प्रोजेक्ट जिसका वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगा, जो फ्यूचर में रिटर्न देगा ही देगा, उसको बोलते हैं वेल्थ। ठीक है, जैसे आप लोग अपने परिवार वालों के लिए एसेट हो कि वेल्थ हो? एसेट हो गया थोड़ा अकाउंटिंग टर्म। ठीक है,
एसेट दो तरह से चलता है, एक एसेट डिप्रिशिएट भी होता है, एक एसेट अप्रिशिएट भी होता है, पढ़े हैं ना आप? तो आप लोग डिप्रिशिएटिंग एसेट हो कि अप्रिशिएटिंग एसेट हो? श्योर, आज तो बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, भूलिएगा नहीं। ठीक है, अप्रिशिएटिंग एसेट्स है, जो अप्रिशिएटिंग एसेट्स है जो फ्यूचर में वैल्यू ज़्यादा देगा ही देगा, उनको हम लोग वेल्थ बोलते हैं। समझ गए? तो आपको हमेशा कुछ ऐसा सोचना है कि मैं अपने शेयर होल्डर के लिए क्या करूं कि उनका जो रुपया मेरे पास आया हुआ है उससे उनको कुछ ऐसा करके दूं कि उनका भविष्य में वेल्थ यानी भविष्य में रिटर्न बढ़ता ही रहे। उनके रुपयों से जो मैं एसेट लेकर आया वो एसेट का मैं संरक्षक बनूं, मतलब प्रोटेक्टर बनूं। ऐसा नहीं कि मेरा रुपया तो नहीं है ना, जैसे मैं कंपनी का सोचो सीईओ, आप लोग मेरे शेयर होल्डर्स हो, कुछ को तो मैं बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया, डायरेक्टर वायरेक्टर बना लिया, बाकी लोग को एक दीवार के पीछे ही रखा कि आप मैनेजमेंट में इंटरफियर नहीं कर सकते। आपके रुपया से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया, मशीनरीज लाया, और फिर उसके पीछे कैजुअल रहते हैं। अरे छोड़ ना, मेरा घर का रुपया थोड़ी लगा हुआ है, चढ़ जाते हैं उसके ऊपर जैसे तैसे करते हैं, मेंटेनेंस नहीं कराते उसका। आप लोग को झांकने भी नहीं दे रहे आपका रुपया से मैं क्या कर रहा हूँ, खाली ऑडिटर का रिपोर्ट ही तो बनवाना है, बना देंगे। ठीक है, आप लोग को खाली लास्ट में हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही तो देखने में इंटरेस्ट है, शेयर होल्डर तो यही मांग सकता है लास्ट में, तो दे देंगे लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले आ जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बना रहे हैं आप लोग को? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा बनवाना बनवा लेंगे, ये तो चलता है मार्केट में। लॉ जितना ही स्ट्रिंजेंट हो, आदमी किस लिए रखेंगे? लूप होल निकालने के लिए कि कैसे बढ़िया सा स्टेटमेंट बनेगा, दिखाओ। यस बैंक डूबने वाला था, किसी को पता था क्या? हाँ, हम भी पिछला साल मतलब यस बैंक के बहकावे में आ चुके थे कि यस बैंक में अकाउंट खुला लेते हैं SJC का, फिर पता नहीं अचानक भगवान क्या मतलब एक दिया, बोले नहीं 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 खुलवाएंगे, जहाँ है ठीक है भगाओ इनको। दो तीन बार पीछे पड़े, बोले नहीं नहीं जाने दो यहाँ से। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही सब कुछ पता चलता कि कंपनी सही चल रहा है, तो ऐसा हो नहीं पाता संभव। आदमी भी सही होना चाहिए ना अंदर में जो काम कर रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को मैं इन्वॉल्व भी नहीं होने दिया अपने बिजनेस में, और आपका एसेट्स, आपका रुपया से जो एसेट लाया हुआ है उसका मिसयूज कर रहा हूँ, उसको ठीक से मेंटेन नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं वो सब डिप्रिशिएटिंग हो जाएगा ना। एसेट्स अपने आप में डिप्रिशिएटिंग होता ही है, विथ टाइम वो टियर वियर करेगा ही। बट अगर मैं उस एसेट के यूज से एक इनकम जनरेट कर सकता हूँ फ्यूचर में, एक ऐसा बिजनेस चालू कर सकता हूँ जिससे रिटर्न ही रिटर्न आएगा, तो फिर वो वेल्थ जनरेटिंग एसेट हो गया ना। जैसे आप ये कॉपी ले लीजिए, कॉपी का मार्केट वैल्यू, आपको एक कॉपी मिला है मान लीजिए, वो कॉपी का मार्केट वैल्यू जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे मार्केट वैल्यू कम हो गया, बट अगर आपने उसमें नोट्स अच्छे से लिखा है तो इसके बदौलत आप इंटर पास हो जाएंगे, फिर उसके बदौलत फाइनल में भी आपको हेल्प मिलेगा, तो एक तरह से वेल्थ जनरेटिंग हो गया ना। ये तो फ्यूचर आपका सिक्योर कर रहा है कॉपी। अभी नॉर्मल खाली आप लिख लीजिए तो उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, बट अगर आप इस तरह से उसमें नोट्स लिखें, उसमें कॉन्सेप्ट्स को लिखें जो आपको इंटर पास कराने में हेल्प करेगा और फिर फाइनल में भी हेल्प करेगा, तो ये वेल्थ जनरेटिंग हो गया, फ्यूचर का रेवेन्यू को अश्योर कर रहा है। तो कॉपी आपके लिए वेल्थ है जी, खाली कॉपी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो ऐसे मतलब डिसीजंस लेने पड़ेंगे हम लोग को अपनी कंपनी में, जिससे कि हमारा कंपनी ऐसा फ्यूचर में बहुत सारा इनकम का अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाए, जिससे हमारा ये शेयर होल्डर लोग को आने वाले कई सालों तक कोई नुकसान का सामना ना करना पड़े। ये मेन ऑब्जेक्टिव है जी हमारा पूरा FM का। अब इसको करने के लिए जितना भी ट्रिक्स टेक्निक्स बना है वो सब आपका सिलेबस बना है। आप लोग का जो सिलेबस है FM का वो यही है कि वेल्थ मैक्सिमाइज कैसे कैसे करें, या उसके प्रोसेस में बहुत सारा चीज़ आ गया ना, सस्टेनेबल ग्रोथ, ग्रोइंग द इनकम, इनकम यूटिलाइजेशन, सोर्सिंग, ये सारा जो स्टेप्स है, मतलब इवन सोर्सिंग भी अगर आप इंटेलिजेंटली नहीं करोगे ना, अलग अलग जन से कितना कितना रुपया लेना है,
अगर आप इंटेलिजेंटली नहीं करोगे तो लास्ट में हर्जाना शेयर होल्डर को ही भरना पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा उधार ले लोगे हाई इंटरेस्ट रेट पर और फिर उस उधार को रीपे नहीं कर पाओगे तो उसका अल्टीमेट लोड किसके ऊपर आएगा? शेयर होल्डर पर आ जाएगा ना। मतलब हर स्टेप पे चौकन्ना रहना पड़ता है कि किस तरह से हम अपना बिजनेस में रुपया पैसा का डिसीजन लें जिससे कि हमारे शेयर होल्डर को भविष्य में कोई भी नुकसान का सामना न करना पड़े। जो सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से बनाया है बट बात है कि फॉलो कौन करता है, यही तो समस्या है। फॉलो करने वाली 100 में 2 कंपनियां होती हैं और वो ये 2 कंपनी वर्ल्ड लेवल पे छा जाती है, जिसके भरोसे में हम अंधे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं बाकी कंपनी भी शायद ऐसा ही करेगी और फिर शेयर होल्डर को अल्टीमेटली चुनना नहीं आता कि हम किस कंपनी में रुपया लगाएं ना लगाएं, तो उनको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए आप जब फाइनल लेवल में आते हैं तो आप लोग को एक अलग पढ़ाई कराई जाती है कि एज एन इन्वेस्टर, एज अ शेयर होल्डर आप सोचें कि किस कंपनी में रुपया लगाएं ना लगाएं, एक अलग लेवल की पढ़ाई होती है। वहाँ सब्जेक्ट का नाम ही अलग हो जाता है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, SFM बन जाता है। अभी खाली FM है, पहले बाद में बन जाएगा स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसका ऑब्जेक्टिव अलग है पढ़ने का कि किस तरह से रुपया लगाएं कि कंपनी डूबेगा नहीं, आपको पता कैसे चले, एज एन इन्वेस्टर वहाँ पढ़ाया जाता है। यहाँ पे एज एन इन्वेस्टर नहीं पढ़ा रहे हम लोग, यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं आपको, एज एन कंपनी, एज ए कॉरपोरेट, कि आपको कैसे रुपया को मैनेज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट का क्रक्स आपको समझाया, बाकी सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स बहुत है, बहुत मज़ेदार है। जिनको मैथ से प्यार है उनको इस सब्जेक्ट से प्यार है, और जिनको मैथ से डर है उनको थोड़ा मेरे साथ बने रहना है। डर मैं नहीं बोलूँगा कि डरो, मेरे साथ बने रहो, प्रैक्टिस करो, ऐसे ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स इतने मज़ेदार वे में सीखेंगे कि आपको, मतलब जो जो बच्चे सीखे हैं जो FM में डरते थे या मैथ से डरते थे, वो लोग इंटर के बाद भी या फाइनल के बाद आके मिल के जाते हैं कि सर जो आपने सिखाया वो कभी भूल नहीं सकते, मतलब FM का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। और ये ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जिसको लेके ना आप बहुत सारा स्पेशलाइज डिग्री कर सकते हैं, फाइनेंस के ऊपर होता है और फाइनेंस आपका हो सकता है आगे जाके मेन करियर बन जाए, मेन स्ट्रीम करियर, कि आपको आगे अपना पूरा ज़िंदगी फाइनेंस को देना है। ऐसा भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे निकल जाते हैं। तो आप इसको जितना अच्छे से सीखेंगे, ना कि इंटर का एग्ज़ाम का काम होगा, आपका फाइनल लेवल का भी तैयारी का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऊपर से अगर ये बेस अच्छा है तो आपको एक नया रास्ता दिखेगा ज़िंदगी में। नहीं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिशियली तो ऑडिटर ही बनता है ना, अकाउंटेंट या ऑडिटर, करेक्ट। और कॉस्ट अकाउंटेंट भी क्या, कॉस्ट रिकॉर्ड्स या कॉस्ट ऑडिट करेगा ऑफिशियली, बट फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट आप लोग को जो दिया गया है, भले इंटर में थोड़ा कम रखा गया, फाइनल में फिर भी अच्छा से रखा गया है, उससे आपको एक मौका मिलता है कि आप फाइनेंस में घुस सकते हो, एक चांस मिलता है आपको, एक अलग स्ट्रीम करियर। और रुपया पैसा, मतलब जब बोलता हूँ ना, मेरे को तो ये सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते क्या दिमाग में आता है, वो अंकल स्क्रूज का कार्टून देखा आपने कभी, डिज्नी में अंकल स्क्रूज? तब हम लोग बहुत पुराने हो गए, तब ऐसा हो गया, हम लोग अपने बचपन में बहुत देखा करते थे। एक डोनाल्ड डक जैसा आता था अंकल स्क्रूज, उसके 3 बच्चे होते थे, पोते होते थे, वो ट्रेजर में तैरता था जाके, नहीं देखा? चले यूट्यूब में देख लीजिएगा अंकल स्क्रूज का कार्टून, डिज्नी का बहुत फेमस कार्टून था। रिची रिच देखा, रिची रिच? हाँ तो चलो ठीक है, रिची रिच तो याद होगा। तो रिची रिच में तो क्या, तो खर्चा ही करता था खाली, उसका पॉकेट मनी था $1,000,000,000, एक महीने का पॉकेट मनी था $1,000,000,000, ठीक है, तो वो अलग केस था। ओके, तो उतना रुपया पैसा का मैनेजमेंट हम लोग को नहीं मिला है सीखने को, बट क्या माइंड में वैसे ही सोचते रहते हैं, अच्छा कभी $1,000,000,000 हुआ तो मैनेज करना आना चाहिए ना। अल्टीमेटली मैनेज नहीं करना आया, संभालना नहीं आया, तो ईश्वर देगा कैसे? ईश्वर कभी कभी होता है ना, बोलता उसी को देंगे जो संभालना जानता, ऊपर वाले का भी कुछ फंडा है। नहीं तो कभी कभी होता है थोड़ा सा देखे, देखते देखते संभाल पाया, क्या संभाल पाया तो देंगे, और नहीं तो वापस ले लेंगे, या फिर वो देखता है कि चलो तुम पहले कैपेबल हो जाओ फिर एक साथ दे देंगे। किसी को थोड़ा थोड़ा देके देखते हैं और किसी को एक साथ दे देते हैं। तो आपकी कैपेबिलिटी पे सब कुछ निर्भर कर रहा है कि आप मैनेज करना जानते हो क्या, ठीक है।
मैनेज का वर्ड आया कैसे पता है? बहुत इंटरेस्टिंग है। मैनेजमेंट, जैसे वर्ड मैनेज हम लोग क्यों यूज करते हैं फाइनेंस के साथ? जैसे आप लोग को मैं आज से ही थोड़ा थोड़ा होमवर्क देना शुरू करूंगा, ओके? और आप एज यूजुअल होमवर्क करके नहीं भी आ सकते हो, जो हमारा पुराना बैचेस का अनुभव रहा है। तो बच्चों से पूछते क्यों नहीं किया, तो बच्चे एक ही बात बोलते हैं, सर टाइम नहीं मिला। और हम लोग भी एक ही बात बोलते हैं, तो मैनेज करो। मैनेज करो का मतलब क्या हुआ? मैनेज करो मतलब हम क्या बोलना चाहते हैं? अरे मैनेज करो माने क्या? टाइम बोल नहीं मिला तो मैं बोल रहा हूँ मैनेज करो। अरे मैनेज करो माने क्या हुआ? मैनेज करो मतलब जितना मिला उसी में ही तुमको करना होगा, इसी को बोलते हैं मैनेज करो, ठीक है? मतलब जितना है सबके पास 24 घंटा ही है, कोई उसमें मुकेश अंबानी है, कोई उसमें जैक मा है, कोई उसमें जेफ बेजोस है, कोई उसमें बिल गेट्स है, कोई हम लोग जैसा गरीब आदमी भी है ना, तो सब उसी 24 घंटे का फेर है रे। कोई उसमें पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई उसमें ऑल इंडिया रैंक वन ला रहा है, सबका वो 24 घंटा ही है, राइट? तो उसी में ही आपको मैनेज करना है। मैनेज करना मतलब उसी में ही आपको देखना है कि पहले क्या काम करना है, फिर बाद में कौन सा काम करना है, करेक्ट? जैसे आप लोग मान लीजिए मोबाइल में कितना टाइम वेस्ट कर देते हो आप। एक आजकल एक मोबाइल में एक नया ऐप चालू हुआ है कि आप किस ऐप में कितना समय बिताते हैं, उसका क्लॉक आता है उसमें, उस ऐप में। वो खाली आप एक इंस्टॉल कर लीजिए और देखिए कि आप पूरा दिन भर मोबाइल में कितना बिता देते हैं, तो पता चला वो टाइम को अगर आप हटा दोगे तो टाइम ही टाइम है, मतलब आपको मैनेज करना आना चाहिए। जो है सबके पास उतना ही है, उसी में आपको जो निकालना है निकालना है। इसलिए समझाते देखो, रुपया भी वैसा ही चीज है, जैसे टाइम लिमिटेड है ना, रुपया भी लिमिटेड है, मनी इज ऑल्सो लिमिटेड। इवन गवर्नमेंट जिसके पास नोट प्रिंटिंग मशीन है उसके पास भी रुपया लिमिटेड है। करना कितना कुछ है और कर नहीं पा रहे, सबके लिए रुपया नहीं है, तो अपन क्या बोलेंगे? मैनेज करो। मैनेज करो मतलब जितना है उसी में आगे पीछे करके चलाओ। अब कैसे चलाएं, यही तो सब्जेक्ट बनाया हमने। टू मैनेज मीन्स व्हाट? टू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम। व्हाट इज मैनेज? मैक्सिमम आउट ऑफ मिनिमम, कम से कम में से ज्यादा कैसे निकालोगे, यही मैनेजमेंट है। हिंदी में बोलते हैं हम लोग, रुपया पैसा का भाषा में थोड़ा बनिया बुद्धि से बात करेंगे, बनिया बुद्धि में हम लोग बोलते हैं सूखे में नाव चलाना। सुने गए ये कहावत? अभी आप समझा देते हैं। नाव मतलब समझते हैं ना, बोट। सूखा मतलब नदी सूख गया है, यानी पानी नहीं है। पानी नहीं है तो बोट चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे हम लोग कभी अपने दोस्तों में बात करते हैं, बोलते हो रुपया चाहिए, तो बोलता है यार गला सूखा हुआ है। हम समझ गए, सूखा हुआ मतलब खाली है, बट नाव अब कैसे चले? नाव कैसे चले, अब यही तो बात है। रुपया है नहीं बैंक में और काम कैसे करें, इसी को बोलते हैं सूखे में नाव चलाना, इसी को बोलते हैं मैनेज करना। मतलब है नहीं जो चाहिए, पानी चाहिए, पानी है नहीं, बट नाव तो चलाना पड़ेगा ना। नाव अटका नहीं सकते, पानी आएगा तब तक वेट नहीं कर सकते, नाव चलते रहना चाहिए। तो बिजनेस फाइनेंस नहीं है कोई बात नहीं, बट बिजनेस स्टिल चल सकता है, भरोसे पे चलता है, आपका मैनेजमेंट स्किल्स पे चलता है, आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है? चलता सब समय है, चलाना आना चाहिए, यही फाइनेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट है दोस्त, ओके? अच्छा, इस सब्जेक्ट को, FM सब्जेक्ट को अभी आप अपना कॉपी में नोट कर सकते हो थोड़ा सा। FM सब्जेक्ट को हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। दो पार्ट इसलिए तोड़ रहे हैं कि एक पार्ट कनेक्टेड है एक के बाद एक, और दूसरा पार्ट कनेक्टेड है एक के बाद एक, ठीक है? इसमें पार्ट वन
और पार्ट टू, पार्ट वन में कुछ चैप्टर्स हैं जो एक साथ चलेंगे, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, नंबर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नंबर थ्री कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, नंबर फोर कैपिटल बजटिंग, नंबर फाइव डिविडेंड पॉलिसी। ये पांच चैप्टर है आपके सिलेबस में जो एक के बाद एक होने चाहिए। रिवीजन भी एक के बाद एक हो तो बेटर है, ठीक है? रिवीजन भी एक के बाद एक, चैप्टर भी एक के बाद एक। फिर पार्ट टू में आ जाइए, लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, नंबर थ्री में आ जाइए, रेशियो एनालिसिस, नंबर फोर में आ जाइए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, नंबर फाइव रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, नंबर सिक्स कैश मैनेजमेंट, नंबर सेवन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो। इसमें से ये चैप्टर सिर्फ सीएमए वाले लोग पढ़ते हैं, सीए वाले लोग अकाउंट्स में पढ़ लेते हैं, सीएमए वाले लोग अकाउंट्स में भी पढ़ते हैं और एफएम में भी पढ़ते हैं। और ये वाला चैप्टर सीएमए भी पढ़ते हैं, सीए भी पढ़ते हैं, बट ये सीएस में नहीं है। अगर कोई सीएस एग्जीक्यूटिव दे रहा है तो उनके लिए चैप्टर नहीं है, और सीएस में ये भी नहीं है, कैश फ्लो फंड फ्लो भी नहीं है। मतलब रुक जाइए, एक बार फिर से समझा देते हैं। रेशियो एनालिसिस सीएस वालों के लिए नहीं है, तो सीए में है, सीएमए में है, और कैश फ्लो फंड फ्लो सिर्फ सीएमए वाले पढ़ रहे हैं, सीएस वाले नहीं पढ़ रहे हैं, तो सीए वाले भी इसको नहीं पढ़ रहे, ठीक है? बट हमारे मैट में दिया हुआ हो सकता है तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, ओके? सीए में एक चैप्टर और आता है, सीए में और सीएस में आता है, वो आता है एडवांस कैपिटल बजटिंग। एक और चैप्टर आता है एडवांस कैपिटल बजटिंग, जिसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक एडवांस मैट भी मिलेगा, तो एडवांस मैट से आप एडवांस कैपिटल बजटिंग सीख लेंगे, ओके? तो अभी हम लोग का जो एलिमेंट्री एफएम सब्जेक्ट हमने बना रखा है वो इससे बना रखा है। ये पार्ट वन पार्ट टू मैं इसलिए बोलता हूँ कि दोनों पार्ट इंडिपेंडेंट चलते हैं और सारा इंटरकनेक्टेड होता है। तो मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ आपके साथ कि अगर मैंने पार्ट वन से शुरू किया टाइम वैल्यू से,
तो आपको 1, 2, 3, 4, 5 सब लगातार ही पढ़ना है, सब कनेक्टेड है। तो कोशिश करके क्लास स्किप ना करें। आप ऐसा सोचेंगे कि टाइम वैल्यू कर लिया सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं किया तो चलेगा क्या? चलेगा नहीं, सब कनेक्टेड है सर। टाइम वैल्यू छूट गया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में थोड़ा थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? सब इंटर कनेक्टेड है, तो इसमें कोई भी ऐसा ना हो कि एक चैप्टर आपका स्किप हो जाए। लास्ट वाला छूट गया कोई बात नहीं है, डिविडेंड पॉलिसी छूट गया कोई बात नहीं है, बाद में करा जा सकता है, बट ऊपर का छूट गया तो नीचे में आने में दिक्कत होता है। और ऐसे ही पार्ट टू भी है। पार्ट टू में पहला दो फिर भी इंडिपेंडेंट है, ये दोनों कनेक्टेड है, बट बाकी सब कनेक्टेड है। ये 3, 4, 5, 6, 7 एकदम कनेक्टेड है। मतलब 3, 4, 5, 6 को मैं एकदम कनेक्टेड बोलूँगा, 7 को फिर भी अलग बोल सकता हूँ, इसलिए क्योंकि वो बहुत बच्चों का 11, 12 में भी किया हुआ होता है, इसलिए मैं उसको अलग कर सकता हूँ। बट 3, 4, 5, 6 एकदम कनेक्टेड, 1, 2 कनेक्टेड, और यहाँ पे 1 से 5 पूरा कनेक्टेड है। तो इंटरलिंक बिटवीन चैप्टर्स आपको समझा दिया, जिससे कि आपका कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो जाए। इसके अलावा FM में थ्योरी भी आता है अलग से। FM थ्योरी बोल के हमारे मैट में 2 चैप्टर है, एक बेसिक थ्योरीज है, 3 चैप्टर है, दूसरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बोल के रहे, और तीसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोल कर है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ये थ्योरी की क्लासेस अलग से होती हैं, और करीब 2 या 3 क्लास में सब ख़त्म हो जाता है थ्योरी। थ्योरी को रिवीजन करने के लिए हम लोग आपको आपके SJC वेबसाइट में भी लिंक प्रोवाइड कर देते, जिससे कि आप उसको एज पर योर कंफर्ट आराम से जब चाहे कर पाएं। बट अभी ज़रूरत नहीं है, जब सिलेबस ख़त्म हो जाए तब करेंगे। थ्योरी के लिए अभी पैनिक नहीं करना है। सिलेबस ख़त्म होने के बाद थ्योरी करने से बहुत आसान लगता है, थ्योरी फटाफट होता है। ओके, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूरा FM का थ्योरी पे ही आता है, पूरा एक क्वेश्चन मिनिमम, पूरा 16 मार्क मान लीजिए थ्योरी पे डेडिकेट कर दीजिएगा। ओके, चलिए। FM की क्लास करने के लिए कैलकुलेटर मैंडेटरी होता है। ऐसा कोई है जो नहीं लाया कैलकुलेटर? गया आज। जो कैलकुलेटर नहीं लाया उसका क्या होगा मेरे को पता नहीं, बट FM की क्लास में कैलकुलेटर हमेशा मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। आज का काम उतना भारी नहीं है, काम चल जाएगा, बट कैलकुलेटर कभी भी मिस ना हो। ओके, कैलकुलेटर देखिए 2 तरह का आ रहा है। कैलकुलेटर का भी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, बेटर होता है कि सबका एक जैसा कैलकुलेटर हो तो मेरे को पढ़ाने में आसान है। ओके, थोड़ा केशियो का एक कैलकुलेटर आता है, JJMJ सीरीज, JJ/MJ, ये लेटेस्ट कैलकुलेटर केशियो ने निकाला है और ये सबसे बेस्ट है भी। ओके, और एक कैलकुलेटर आता है वो सिटीजन वगैरह का, ब्लैक वाला, बड़ा थोड़ा रेक्टेंगुलर टाइप का आता है वो, ये जैसे क्या बोलेंगे पोर्ट्रेट फॉर्म हो गया, वो ऐसा वाला आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्या है कि वो मिलता नहीं है ज़्यादा यही मिल रहा है, सबको यही वाला खरीद रहे हैं। तो मैं भी क्लास में देखता हूँ कि 60% से ज़्यादा स्टूडेंट अब JJMJ सीरीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे JJMJ लिखा रहता है, तो रिकमेंडेड है कि सब एक जैसा कैलकुलेटर रखें तो पढ़ाने में भी आसान होता है। ओके, ये सब आपका एक माइनर इन्वेस्टमेंट है, काम आएगा, और हमेशा हर स्टूडेंट को 2 कैलकुलेटर रखना चाहिए। अगर एक आपके पास ऑलरेडी है तो आप एक घर पे रखें और एक हमेशा बैग में रखें। बैग से कैलकुलेटर बैग वाला निकालना ही नहीं है, घर वाला कैलकुलेटर घर पे रहेगा होमवर्क करने के लिए, और बैग वाला कैलकुलेटर हमेशा बैग में रहेगा, बिकॉज बिना कैलकुलेटर के आपका FM क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, और भी प्रैक्टिकल क्लासेस आप करेंगे उसमें फिर कैलकुलेशन कॉपी करेंगे, उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? 2 कैलकुलेटर एकदम मैंडेटरी है लिखने के लिए, आपका सिलेबस को सीखने के लिए। अगर एक जैसा ही 2 खरीद ले तो और भी बेटर होता है, 2 अलग अलग नहीं हो, एक ही 2, एक जैसा 2 हो तो सबसे बेस्ट है। ओके, सो भाई जितना FM का बेसिक्स मेरे को बताना था मैंने बता दिया। ओके, FM में आप और 1-2 जो आपको ऊपर में बताया था उसका थोड़ा सा नोट्स लिखिए, FM बेसिक्स बोलकर। पहला लिखिए 3 मेन फंक्शंस,
ऑफ एफएम। तीन मेन फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसमें पहला आ रहा है सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, दूसरा आता है यूटिलाइजेशन, तीसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सोर्सेज मतलब रुपया कहाँ से लाओगे, यूटिलाइजेशन मतलब रुपया कहाँ लगाओगे, और डिस्ट्रीब्यूशन माने जो इनकम जनरेट किया, वेल्थ जो जनरेट किया, वेल्थ या इनकम उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे। ओके, नेक्स्ट आता है टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम। एफएम का दो मेन ऑब्जेक्टिव है, जिसमें एक मैंने आपको बताया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, और दूसरा है वैल्यू, और रादर आई विल से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट और वेल्थ में फर्क क्या होता है बता सकते हैं आप? प्रॉफिट और वेल्थ में फर्क क्या होता है? वेरी गुड, प्रॉफिट एक साल का होता है, करेंट ईयर, एग्जिस्टिंग ईयर, और वेल्थ, वेल्थ लॉन्ग टर्म का होता है, उसमें ऐसा नहीं बोलते एक साल से ज्यादा, लॉन्ग टर्म, 5 साल का, 10 साल का, समथिंग लाइक दैट। पुराने जमाने के जो हमारे पूर्वज होते थे ना, वो लोग वेल्थ पे ज्यादा फोकस करते थे, नए जमाने में हम लोग जैसे लोग वे प्रॉफिट पे ज्यादा फोकस करते हैं। पुराने जमाने के लोग क्या सोचते थे कि हमारा पोता के लिए हमने जमीन खरीद के रख दिया, ठीक है, भले ही घर में खाने का कमी रहता था, उतना सुख सुविधा नहीं था, बट जमीन लेके रख देते थे, कब दाम मिलेगा, 50 साल बाद पोता के फायदा हो जाएगा। और नए जमाने में हम लोग बोलते हैं साला अपना जिंदगी का कोई ठीक ठिकाना नहीं है, हम अपना बेटा का भी सोचे और उसके बाद का उसका बेटा का सोचे, अपना ही सोच ले आज हमारा कैसे बीते, अच्छा कैसे हो, है कि नहीं। तो नया जमाना क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोचता है, बट एफएम का काम क्या है, दोनों सोचो, प्रॉफिट और वेल्थ, करेक्ट, टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफएम। ओके, सो ये बेसिक आपने जान लिया, अब और अभी मुझे बेसिक का क्लास लेना नहीं है, बेसिक में जब जब जो जो जरूरत पड़ता है मैं चैप्टर के बिगनिंग में एकदम बेसिक से ही शुरू करता हूँ, तो आपको वैसा कभी कोई परेशानी होगा नहीं। क्लास के मोडस ऑपरेंडी के बारे में बता दें, टाइमिंग आपको क्लास का बता दिया गया है, टाइमिंग एकदम एज इट इज़ फिक्स रहने वाला है। जो लोग सीए कर रहे हैं उनका इकोनॉमिक्स भी है, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का क्लास, वो भी हमारे यहाँ पे होता है, अगर आप अवेल नहीं किए तो जल्दी अवेल करें, और बेस्ट है कि एक ही जगह सब कर लिया जाए, वो हमारे यहाँ एक मैम है बहुत अच्छा पढ़ाती, सो वेरी रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई है उनका, तो आप उनसे वो क्लास ले सकते हैं, अगर ले चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उसका हफ्ते में एक दिन करके क्लास हुआ करेगा, उसका भी शेड्यूल आपको बताया हुआ ही होगा, पहले से नहीं बताया होगा तो मैं बता दूंगा क्लास के बाद। ओके, हर क्लास का बैकअप चलता है, बैकअप का स्लॉट्स आपको, मतलब बैकअप का रूटीन आपको आपके कैलेंडर में जब आप क्लास ज्वाइन किए होंगे तो मिला होगा, या फिर वेबसाइट में जहाँ से आप एडमिशन लेते हैं वहीं पर लिखा होगा कि इस क्लास का बैकअप कब कब चलेगा, नहीं पता है तो नोटिस बोर्ड से देख लेंगे, ठीक है। जैसे आज का क्लास अगर बाई चांस मिस हो गया तो उसका बैकअप चलता है, तो वो बैकअप का टाइम आपको देख लेना है, उस समय प्रोजेक्टर पे क्लास चलाई जाती है। फिर प्रोजेक्टर पे अगर क्लास मिस हो जाता है, ध्यान से सुन ले, आज का क्लास लाइव हुआ उसके बाद प्रोजेक्टर पे क्लास होगा, प्रोजेक्टर पे अगर क्लास मिस हो जाता है तो फिर लेजिटिमेट कारण अगर आप बताते हो कि किस कारण से मिस हुआ, बर्थडे था, कहीं जाना था, वो सब बहाना को नहीं मानते, बट कोई ऐसा कारण था जो आप कंट्रोल नहीं कर पाए उसके कारण का क्लास मिस हुआ, तो आपको फ्लेक्सिबल बैकअप में क्लास अलाउ की जाती है। फ्लेक्सिबल बैकअप आपका अलग से बगल में रूम है, जब ब्रेक होगा तो घूम के पूरा इंस्टीट्यूट देख लीजिएगा, तो उधर फ्लेक्सिबल बैकअप में आपको क्लास अवेल कराई जाती है, उसके लिए एक अलग से कार्ड बनता है, फ्लेक्सिबल बैकअप कार्ड, तो वो जिस दिन पहला बार फ्लेक्सिबल बैकअप करने आएंगे उस दिन आपको वो कार्ड बनवाना होगा।
थोड़ा सा उसमें समय लगता है, तो जब भी पहला बार फ्लेक्सिबल बैकअप करने आएंगे उसका रूल्स वगैरह पूरा ऑफिस में समझ लेंगे। उसमें आने का भी टाइम स्लॉट बना हुआ है, सुबह 7 बजे या 11 बजे या 2 बजे या 5 बजे, 4 में से 1 आपको अलाउ किया जाता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे रहता है, जो पहले आता है उसको पहले मिल जाता है इन जनरल, ठीक है। ओके, तो ये आपका नॉर्मल शेड्यूल हो गया। क्लास नॉर्मली 2.5 घंटे की होती है, बट वो 2.25 घंटे तक निपट जाती है नॉर्मल क्लास। हर क्लास में जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको हम लोग जैसे जिस जो स्क्रीन पे आपको पीछे दिख रहा है, ये क्लास स्लाइड कहलाता है, ये क्लास स्लाइड बोलते हैं हम लोग इसको। ये क्लास स्लाइड आपको आपके SGC के वेबसाइट में, आपका जो अकाउंट खुल गया है, अब एनरोलमेंट के तो अकाउंट खुल गया होगा ना, तो अकाउंट में जाएंगे, अपना डैशबोर्ड में लॉग इन करेंगे, मतलब लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड में आप देखेंगे माई कोर्सेज बोल के एक बटन मिलेगा, उस माई कोर्सेज में आपको FM बैच 20B में एनरोलमेंट मिला हुआ होगा। ओके, उसका क्लास स्लाइड्स, उसका क्लास स्लाइड्स, ओके, बटन मिलेगा आपको, उस क्लास स्लाइड्स में आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसका एक पासवर्ड होता है क्लास स्लाइड का, इस बैच का पासवर्ड वगैरह आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आपके पास मेल में आया होगा, जैसे आप एनरोल किए होंगे एक मेल आया होगा SGC से, उसमें आपको इस बैच में हम लोग जो भी बैचमेट्स हैं सबको लेके एक टेलीग्राम ग्रुप बना देते हैं। ओके, तो वो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम क्या है, व्हाट्सएप जैसा एक मैसेंजर है, उसको आपको मोबाइल में डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और लिंक जो आया होगा अपने SGC के ईमेल से उसको क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। अगर बाई चांस नहीं कर पा रहे तो ऑफिस से हेल्प लीजिए या एक दूसरे का दोस्तों से हेल्प ले सकते हैं। ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रुप का ऑब्जेक्टिव है कि आपका इंटरनली कोई क्वेरी रह गया जो आप क्लास में सॉल्व नहीं कर पाए, कभी होता है ऐसा, या होमवर्क में कोई क्वेरी आ गया जो क्लास में आपको लगा कि मेरे को नहीं समझ में आया, या फिर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है, तो ग्रुप में पोस्ट करें, एक दूसरे से हेल्प लें, आपके दोस्त ही आपको उसमें हेल्प कर देते हैं, जैसे इनको प्रॉब्लम आया तो वो हेल्प कर सकते हैं। ग्रुप में बस एक्टिव रहना है। हम लोग को भी कभी कोई इमरजेंसी अपडेट देना होता है कि क्लास में ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, या कोई नोट्स देना है या फिर कोई वीडियो देना है, तो वो ग्रुप के थ्रू ही देते रहते हैं, ठीक है। बार बार मैसेज का टेंशन नहीं रहता, मेल का टेंशन नहीं रहता। जो 20A वाले स्टूडेंट्स मैंने बोला उनको 20B में अभी कुछ क्लासेस करना है, तो 20B वाला क्लास लेड उनको कैसे मिलेगा, वो टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिलेगा उनको। 20A वाले टेलीग्राम ग्रुप में ही बने रहेंगे, ठीक है, उसमें उनको क्लास लेड मिल जाएगा। सो आपको पैनिक कुछ भी नहीं करना है, सारा प्रोसेस वेल डिफाइंड है, कहाँ मिलेगा, क्या तो क्लास लेड यहाँ पे मिल जाएगा या फिर यहाँ पे मिल जाएगा। आप लाइव क्लास कर रहे हैं तो सर से हमेशा क्वेरी लाइव में पूछ सकते हैं, और फिर नहीं तो क्लास के बाद या क्लास के पहले भी पूछ सकते हैं। दूसरा, जो लोग वीडियो ही कर रहे होते हैं पेन ड्राइव में या घर पे, उनको ऑप्शन दिया गया है कि सर से क्वेरी सॉल्व करवाना है, तो एक उपाय है कि आप अगर कलकत्ता के हैं तो मैं हमेशा यहाँ पर एवरी डे मंडे टू सैटरडे 10 to 11 आपके लिए अवेलेबल होता हूँ। 10 से 11 सिर्फ स्टूडेंट्स मीटिंग टाइम है, तो 10 से 11 आप मुझसे मीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हमारा एक डेडिकेटेड टाइम है आने इस वीक से, वो अभी फ्राइडे 10:30 से 12, फ्राइडे को 10:30 से 12 ये टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल करने के लिए SGC का लैंडलाइन नंबर में जाना होगा 0334059380, उसके बाद प्रेस करना आपको 2, 4 और 1। 2, 4, 1 प्रेस करोगे तो कॉल मेरे पास कनेक्ट होता है, बट वो सिर्फ कनेक्ट होता है फ्राइडे को 10:30 से 12 के बीच में। तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो हमारे यहाँ लाइव इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे, जो सिर्फ वीडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओके, सो बस इतना ही बताना है। अगर आपने कभी ऐसा भी समझो कि आपके कोई दोस्त हैं जो 20B में पढ़ रहे हैं, बट आपके कुछ दोस्त एट द सेम टाइम 20A में भी पढ़ रहे हैं, तो आप कन्फ्यूज ना हो कि 20A 20B में फिर डिफरेंस क्या है। ऐसे हो सकता है जैसे आपका कोई दोस्त हो सकता है घर पे क्लास कर रहा है और 20A में कर रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या होता है, कभी कभी बैच चेंज होता है तो थोड़ा कभी मैट में 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, बट एग्ज़ाम के लिए पूरा सब कुछ रेलिवेंट चीज़ पढ़ाया जाता है पुराने और नए बैच में। अगर हमने बोला है कि 20 आपके एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, तो 20
बी भी रेलिवेंट है, 20 ए भी रेलिवेंट है, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। अगर कुछ और मॉडिफिकेशन करना होता है तो हम लोग आपको अलग से 20 ए वालों के स्टूडेंट को अलग से प्रोवाइड कर देते हैं, और 20 बी हमेशा लेटेस्ट अपडेटेड रहता है। ऑब्वियसली जितना लेटेस्ट रहेगा बैच उतना ज़्यादा वो अपग्रेडेड रहेगा। ये बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी। ओके, और कुछ जानकारी में लेना है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में? नहीं है, कुछ भी पूछना है? हाँ, तो फिर बैठे बैठे क्या करें? हाँ, करना है कुछ काम, शुरू करें चैप्टर नंबर 1 लेके प्रभु का नाम। बस आइए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आइए शुरू करिए। नया चैप्टर, नया पेज, नई कॉपी, नया बुक, नया पेन भी है क्या? कि पेन पुराना ही चला रहे हैं? पेन पुराना ही है। नया शर्ट, शर्ट नया है? अरे आज नया नया, आज पहला क्लास चालू किया, नया कपड़ा पहन के आना चाहिए। मैं तो हमेशा नया बैच चालू तो नया शर्ट पहनता हूँ, फिक्स है। हाँ, नया शर्ट पहन के आया आज आपके लिए, और मौका नहीं है ना अपने, तो होली दिवाली कोई मतलब नहीं है, सारा दिन तो यहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, तो नया बैच ही हमारे लिए फेस्टिवल हो जाता है। नया बैच चालू हो रहा है, आज फेस्टिवल है हमारा। ओके, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, मेरे साथ पढ़ने का ना एक दो बात और है कि कुछ कायदा कानून है। कायदा कानून क्या, कि मैं कॉपी वॉपी बहुत कायदे से बनवाता हूँ, तो अगर आप फॉलो करेंगे तो और अच्छे से बनवाऊँगा, नहीं फॉलो करेंगे तो फिर आपको साइड करके चलूँगा। तो फॉलो करेंगे तो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में कॉपी से फ़ायदा होगा, कॉपी आपका वेल्थ बन जाएगा, आपको पहले ही बताया। तो सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो करिएगा जब मैं कुछ भी लिखाऊँ, कुछ भी बताऊँ। बेस्ट यही है फॉर द टाइम बिंग, जब तक मेरे सिस्टम को आप ना समझ पाओ तब तक जैसा मैं करता हूँ वैसा वैसा कॉपी में करो, स्क्रीन को फॉलो करो। नोट्स बनाने का कायदा बोल रहा है कि आपको हमेशा 3 कलर का पेन अपने साथ रखना है। 3 कलर कौन सा हुआ? रेड, ब्लू एंड ब्लैक। रेड हाईलाइट करने के लिए, जैसे चैप्टर नेम रेड से लिखा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर रेड से लिखेंगे, और कोई खास पॉइंट होगा तो रेड से लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक टेबल हेडिंग के लिए, नोट्स का बेसिक हेडिंग के लिए, और ब्लू जनरल के लिए। 3 हेडिंग है क्या? रेड एकदम मेन हेडिंग, बहुत हाईलाइट करना है जिसको, ब्लैक बाकी हेडिंग्स के लिए, और ब्लू आपका ज़्यादातर नोट्स के लिए। एग्ज़ाम में, सीए का एग्ज़ाम में खाली एक रूल बना हुआ है कि आपको सारा का सारा ब्लैक से लिखना पड़ता है। ठीक है, एग्ज़ाम का बात अलग है, वो ब्लैक से लिख लेंगे उस समय। फिलहाल आप 3 कलर का रूल फॉलो करें, ध्यान रहेगा। आज जुगाड़ नहीं है, बट अगला दिन जुगाड़ रहना चाहिए। पेंसिल, स्केल, इरेजर और कैलकुलेटर, ये विदाउट मेंशन हमेशा बैग में ही रहे, क्योंकि कुछ बार हम लोग होता है बुक में ही सॉल्व करने लग जाते हैं, तो उस समय पेंसिल रहने से ईजी रहता है। ठीक है सर, ये सब के बिना भी मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, लेकिन है ना, ऐसा मन में कॉन्फिडेंस होता है। देखिए आगे भी पहुंच जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, बट देखिए हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है ना, हम लोग बाकियों से अलग हैं। किस लिए अलग हैं? क्योंकि हमारी प्रेजेंटेशन है, हमारी क्वालिटी है। ठीक है, आज मार्केट में कोई नॉर्मल फ़ोन बिकता है वो बिना बॉक्स के भी बिकता है, और एक पूरा पैकेज होकर एप्पल का फ़ोन आता है, तो उसमें फ़र्क हो जाता है। पैकेज अच्छा हो तो डेफिनेटली क्वालिटी अच्छी महसूस की जाती है। अगर आप अच्छा हैंडराइटिंग वगैरह मेंटेन करेंगे, अच्छे से नोट्स लिखेंगे, तो उसका नॉलेज अच्छे से ले पाओगे। ठीक है, तो ये सब रूल्स वगैरह जो सर बताते जाएं उसे फॉलो करते जाइएगा। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये चैप्टर एक्चुअली आपका फाउंडेशन में भी आपने पढ़ा हो, या 11th 12th में पढ़ा हो, या बीकॉम के फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, आप लोग वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन पढ़ेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, हाँ पढ़ें। कितना लोग का नहीं पढ़ा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू? ओके ठीक है, सीख जाएंगे। मैथ्स में था ना प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सबका पढ़ा हुआ है। हाँ, तो बस वही है, इस चैप्टर का एक्चुअल वर्किंग कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। सबको ही पढ़े कंपाउंड इंटरेस्ट? कोई है जो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा हुआ है?
कोई शर्म नहीं है, बता सकते हैं। तो मेरे नज़र में रहोगे कि अलग से आप पे ध्यान देना है, ठीक है, सभी का किया हुआ है। तो बस अपने को ये सीखना है कि हाउ डज इट मेक सेंस इन FM। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आता है मुझे पता है, बट उसका FM से रिश्ता जोड़ना है। पूरा FM का बेस ही कंपाउंड इंटरेस्ट पे है, ठीक है। आइए समझते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसमें पॉइंट नंबर वन आ रहा है, मनी क्या है, व्हाट इज मनी। मनी लिखते रहिए ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मनी माने क्या होता है, मनी। कुछ महापुरुष लोग बोलते हैं हाथ का मैल, है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं माया, मनी माने माया। हम लोग वो सब स्पिरिचुअल ज्ञान तो लेने आए नहीं है, न माया बोल सकते ना हाथ का मैल बोल सकते, हम लोग को क्या बोलना है। हाँ, व्हाट इज मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वेरी गुड। व्हाट इज मनी, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देख रहे प्रेजेंटेशन कैसा चल रहा है, ट्राई टू फॉलो, इफ यू हैव ब्रॉड कलर्स ट्राई टू यूज इट, इफ नॉट देन एटलीस्ट अंडरलाइनिंग एंड ऑल शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, मनी मतलब बेसिकली करेंसी भी बोल सकते हैं आप, है ना, दैट इज करेंसी। जैसे इंडिया का करेंसी हो गया रुपया, नंबर टू वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी, मनी वैल्यू का मतलब क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू ऑफ मनी प्राइस, नो, प्राइस इज नॉट वैल्यू। आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कोई प्राइस बता रहे हैं तो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, वैल्यू ऑफ मनी क्या हुआ। मनी माने करेंसी, करेंसी आपके पॉकेट में है, आपके पॉकेट में है कुछ, कितना है दिखाइए, निकालिए नहीं तो लेंगे नहीं, लास्ट क्लास में एक लड़के को ले लिए थे। हाँ, क्या है ऊपर दिखा दीजिए सबको। हाँ, ये कागज का टुकड़ा है पर्पल कलर का, क्या ये कागज का टुकड़ा है पर्पल कलर का, है ना, दीजिए एक बार वापस से देंगे। लास्ट क्लास में ऐसे बोल के लिए थे फिर दिए नहीं थे, मैं आपको दे देंगे, आज पहला है ना आपका, तो फिर आप हल्ला करोगे। देखिए ये क्या है, ये क्या है, कागज का टुकड़ा है पर्पल कलर का, तो आपको सिखा दिया गया मनी है, मनी है। हम भी कोई पीला कलर का कागज छाप के अपना बच्चा को ट्रेनिंग दे देना ये 1000 रुपया का नोट है तो मानने लग जाएगा, उसके आस पास होना चाहिए बस, आपको ट्रेनिंग मिल गया है, आपको कैसे पता इसका वैल्यू है। एक गाय के सामने ले जाके रख दीजिए, क्या है उसके लिए, मेरा बेटा को ले जाके दीजिए फाड़ देगा, उसके लिए क्या है वैल्यू है। तो इसका मनी का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इसमें गांधी जी बने हुए इसलिए कि इसमें कौन साइन किया यहाँ पर, हाँ गवर्नर साहब का साइन है इसलिए वैल्यू आ रहा है। हाँ, जब कोई लेता है तो देखता है कि गांधी जी है कि नहीं इस पे, या फिर गवर्नर का सिग्नेचर है कि नहीं इस पे। एक्चुअली गवर्नर का सिग्नेचर ही इसको वैल्यू दे रहा है, आपको ये तो पता होगा, उसमें लिखा हुआ है ना, मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, प्रॉमिस टू पे, इसको प्रॉमिसरी नोट भी बोलते हैं। ठीक है, धारक मतलब बियरर। अगर यहाँ पर ये कागज मैं होल्ड करके रखा हूँ, आप सब में से पूरा दुनिया समझ लो, आप लोग पूरा दुनिया हो, कोई भी इसको स्वीकारने से मना कर रहा है, ठीक है, तो मैं गवर्नर साहब के पास जाऊंगा, देखिए आपका एक साइन क्या हुआ मेरे को मिला है, मैं इसका वियरर हूँ, मेरे को 100 दीजिए, वो देना पड़ेगा, ये सिग्नेचर से इसका वैल्यू है, समझ गए। घर में कभी गेम वेम आया होगा, नकली नोट रहता है ना उसमें,
उसमें भी बहुत सारा अलग अलग डिनोमिनेशन रहता है, वो मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें वैसा गवर्नर का वैलिड सिग्नेचर नहीं है, रियल सिग्नेचर नहीं है। सिग्नेचर से वैल्यू आ रहा है, और सिग्नेचर से वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब अगर कोई भी बदले में वो कागज को एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ आपको सामान नहीं दिया उसका, तो आप सीधा गवर्नर के पास जा सकते हैं, वो आपको इसके पीछे 100 रुपया देगा, और ऐसा देगा जो सबको एक्सेप्ट करेगा। अब हो सकता है वो उतना का सोना दे दे आपको, गोल्ड दे दे, जो सबको एक्सेप्ट करेगा। समथिंग विल बी गिवन विच विल बी एक्सेप्टेड बाई ऑल, दैट इज मनी। मनी इज वॉट? इट शुड फॉर्म अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नाउ वैल्यू ऑफ मनी इज वॉट? मनी का वैल्यू का मतलब उसका सिग्नेचर है, ये ट्रू है, सिग्नेचर से उसके बदले कुछ मिलता है। बट हम लोग के इकोनॉमी में हम लोग को सिग्नेचर को लेके परेशान नहीं होना होता है। हम लोग को सिग्नेचर को लेके परेशान होना है? कभी नहीं होना है, ठीक है? जैसे होली वोली हुआ, सिग्नेचर पे दाग लग गया, तो क्या इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। तो सिग्नेचर से एक वैल्यू है, डेफिनेटली मानते, नहीं तो नकली नोट असली नोट का पहचान कैसे होगा? एक कागज का टुकड़ा में अगर हम कोई नंबर लिख दें तो उसका पहचान कैसे होगा? तो सिग्नेचर इज वन ऑफ द पैरामीटर टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू, बट रियल वैल्यू इन आवर FM इज अंडरस्टूड फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट यू कैन गेट इन एक्सचेंज ऑफ दिस। ये जिसको दूंगा वो बदले में मुझे क्या दे सकता है, ये क्वांटिटी इसका वैल्यू डिटरमाइन करेगा। क्या समझे? इसके बदले मुझे क्या क्या मिल सकता है, गुड्स सर्विस कितना मिल सकता है, उसका क्वांटिटी इसका वैल्यू डिसाइड करेगा। अगर इसके बदले मेरे को इतना सा खाली चावल मिल रहा है जिससे मेरा एक बाइट में खत्म हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू नहीं है। बट इसके बदले इतना चावल मिल रहा है कि मैं 3 दिन तक खाना खा सकता हूं, तो इसका वैल्यू है। समझ में आ रहा है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी? इट इज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव फ्रॉम द मनी। अब वो ये कागज का हो या कोई मेटल का हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक का हो, कुछ कंट्री में प्लास्टिक का बना दिया, वो लोग खराब होते रहते हैं ना, वो लोग प्लास्टिक का नोट्स बना दिया है, मेटल का कॉइन्स चलता ही है, आप जानते ही हैं। तो क्या चीज का भी उससे क्या लेना देना, बदले में क्या मिल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है ना, राइट? चलिए ये वापस लौटाइए उनको, ठीक है? सो वैल्यू ऑफ मनी इज द क्वांटिटी ऑफ या अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है? तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी सेट हुआ। नाउ वी हैव द टर्म टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी सो व्हाट इज इट अबाउट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये किस बारे में हो सकता है? इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ मनी का रिलेशनशिप विथ टाइम, समय के अनुसार मनी का वैल्यू बढ़ता है कि घटता है। सोच के बोलना, हड़बड़ नहीं है, एक चूज करना है। समय के अनुसार वैल्यू ऑफ मनी बढ़ता है कि घटता है? आज जो वैल्यू है मनी का, जैसे आपने 100 रुपए का नोट दिखाया, आज जो उसका वैल्यू है, वैल्यू मतलब क्या? हाँ, आज जो उसका वैल्यू है, आज से 10 साल बाद वैल्यू सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? हाँ, अच्छा, वैल्यू मतलब अभी समझ में आ रहा है। वैल्यू मनी से अलग करो, वैल्यू को, मनी एक नोट है, वैल्यू माने क्या है? हाँ, गुड्स और सर्विस जो मिल रहा है। तो आज 100 रुपए के बदले जितना सामान मिल रहा है, 10 साल बाद उतना सामान मिलेगा कि उससे ज्यादा मिलेगा कि उससे कम मिलेगा? कम मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ मनी विथ टाइम क्या होता है? घट जाता है ना?
हमारे पापा लोग क्या बोलते हैं, हम लोग तो चवन्नी में नाश्ता करते थे, चार आने में बस पूरा दिन का नाश्ता हो जाता था। आज चार आने में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो समय के अनुसार क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है। ठीक है, तो इकोनॉमी में ऐसा नहीं है कि सब चीज़ समय के अनुसार होता है, बहुत सारा फैक्टर्स के अनुसार होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में ऐसा हुआ, चार आना का वैल्यू खत्म हो गया। एक आना में कितना पैसा होता था पता है क्या? एक आना में 6 पैसा होता था, चार आना माने 25 पैसा, तो 6 × 4 = 24, तो 24 की जगह 25, 8 आना बोलते थे ना, 8 आना माने 50 पैसा, तो 8 आना माने 6 × 8 = 48 की जगह वो 50 का करेंसी बना। ठीक है, तो पहले आना भी आता था, मतलब एक ज़माना था जब आना का भी कॉइन छपता था, एक आना लिखा होता था उसमें, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने उसको चेंज किया। गवर्नमेंट का भी अपना मनी को सर्कुलेट करने का लॉज है, रेगुलेशंस है, ये सब इकोनॉमिक्स में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जितना, जैसे गवर्नर ऐसे ही कोई साइन करके नहीं दे सकता, चल कागज ला साइन करके दे दे, उसके पीछे भी उसके पास उतना रिजर्व होना चाहिए ना, तभी तो दे पाएगा। उसके पास उतना है नहीं और साइन करके कैसे दे देगा कि हाँ मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूँ। मतलब पीछे में गवर्नमेंट के पास बैकिंग होगा तो ही वो दे पाएगा। उनका बैकिंग कम होता जाएगा ना, उनका वैल्यू ऑफ मनी गिरता जाएगा। क्या समझे? अगर गवर्नमेंट का जो खजाना है वो खाली हो जाए, कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम गवर्नर के पास वो 100 का नोट लेके जाएंगे तो वो दे पाएगा? बदले में 100 रुपये नहीं दे पाएगा, खजाना कम हो गया, तो 100 रुपये का वैल्यू क्या हुआ? गिर गया। मतलब अब सोचो ना, 100 रुपया दिया, बदले में मेरे को 4 बनानास मिलते हैं, 4 बनानास। तो अगर गवर्नर के पास खजाना ही खत्म हो गया, कम हो गया, ठीक है, तो वो मेरे को कितना देगा? 100 के बदले मानो 50 ही दिया फॉर एग्जाम्पल, तो 50 में कितना आया? 2 ही बनाना आएगा। बट 4 बनाना के लिए अब कितना रुपया चाहिए? मतलब 200 लेके जाएंगे तब 4 बनाना आएगा, गवर्नर के पास जाएंगे। सोचो ना एक मैकेनिज्म, मेरे पास 100 का नोट है, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं करा, गवर्नर के पास गए, वो बोले ठीक है क्या हुआ, कोई नहीं ले रहा, अच्छा मेरे पास से ले जाओ। तो गवर्नर के पास ही खजाना कम हो गया अगर, तो मेरे को 100 के बदले बोला मेरे पास तो अभी इतना ही है, तुम इतना ही ले जाओ, तो 2 केला ले पाए उससे, जबकि हम 100 से 4 ले पाते। अब मेरे को चाहिए 4 ही, तो मेरे को गवर्नर के पास कितना लेके जाना पड़ेगा? 200। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा रुपये का वैल्यू गिर गया। किस कारण से? गवर्नर ने, गवर्नमेंट ने अपना खजाना खर्च कर दिया। तो जिस कंट्री का अपना रिजर्व कम हो जाता है, भले नोट्स इन सर्कुलेशन है, नोट्स है, छप चुके हैं, विड्रॉ नहीं किए, खजाना कम हो गया, तो उसका भी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगा। और ये बेसिक्स फॉर्म करता है टू डिराइव, जैसे $1 के पीछे 70 रुपया लगता है ना, क्यों लगता है? इसलिए लगता है। ये खजाना फिर कंपेयर होता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ। अच्छा, मेरा इतना खजाना है, आपके पास कितना है? समझ गए? उससे एक रेशियो बना लेते लोग। जिसका खजाना कम हो रहा है उसका मनी का वैल्यू घट जाएगा। सिंपल थ्योरी है ये। इससे वर्ल्ड वाइड पूरा इकोनॉमी में करेंसी रेट बनता है। विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों घट रहा है? इसका एक कारण यही है कि सरकार का जो खजाना है वो कम हुए जा रहा है। तो वो जब दूसरे गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है तो उनका खजाना ज़्यादा है, हमारा खजाना कम है। आप बोल सकते हैं US गवर्नमेंट के पास 70 times ज़्यादा खजाना है हमारे से। इसलिए एक बेसिक आइडिया के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए हमारा उनका $1 हमारा 70 rupees के समान है। और ये हर समय खजाना बढ़ रहा है घट रहा है उनका, कभी घट जाता है तो हमारा घट जाता है और तो डॉलर महंगा हो जाता है, और हमारा बढ़ जाता है तो डॉलर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है? सब कुछ बैकिंग है ना सबके पीछे, कि वैल्यू आएगा कैसे? वैल्यू तभी आएगा ना जब बदले में कुछ देने को है, तो जो बदले में देने को ही नहीं है तो क्या होगा, वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगा।
तो एक रीजन है, गवर्नमेंट कमजोर होता है ना तो वैल्यू ऑफ मनी गिरने लगता है, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ठीक से नहीं चली तो वैल्यू ऑफ मनी गिरने लग जाएगा। आप देखिए पापा लोग 25 पैसा में चला लेते थे, हम लोग का 100 रुपये बिना नहीं चलता है। हम लोग कई बार सोचते कि हमारे बच्चे जब हो जाएंगे तो उनका किसके बिना नहीं चलेगा। बोले पापा 10,000 रुपये दो, बोले क्या करेगा आज का भाड़ा। बोले तुम्हारे जितने बड़े हम जब थे 10,000 में तो साल भर चला लेते थे। बोले छोड़िए वो बात, जमाना गया। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा होगा, ये वैल्यू ऑफ मनी गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, हम लोग कुछ कर रहे क्या? सरकार संभाल नहीं पा रहा, खजाना गिरे जा रहा है उसका। ऐसा कंट्री है सर कहीं जहाँ पे ऐसा होता है? हाँ, इंडोनेशिया चले जाइए, वियतनाम चले जाइए। वियतनाम में मतलब हमारे कुछ रिलेटिव्स जाके, मैं तो नहीं गया, बता रहे थे हम लोग का ट्रिप का कॉस्ट अगर हम वियतनाम करेंसी में बताएं, वो 4 दिन के लिए गए थे, बोले 2 करोड़ रुपया लगा। मतलब वहाँ पे नाश्ता करने बैठो तो 2 लाख, वहाँ का करेंसी ऐसा है। वहाँ पे 5-5 लाख का नोट छापा हुआ है गवर्नमेंट, 5 लाख का नोट, जैसे कभी करोड़पति बनने का सपना हो और पूरा नहीं हो रहा हो तो वियतनाम घूम के आ जाना, करोड़पति तो बन जाओगे। यहाँ का 1 रुपया में वहाँ का 300 रुपया मिलता है, क्या समझे? 2, 4, 6, 7 / 300, हाँ 33,000 रुपया होते ही तुम्हारा करोड़पति का सपना पूरा हो जाएगा। सब गूगल मारो, देखो, सीखो रियल वर्ल्ड। इंडोनेशिया में भी ऐसा ही है, खुल जा। क्या देखना है अपने को? वियतनाम, वियतनाम करेंसी। वियतनाम डोंग नाम है उसका। तो उल्टा करते हैं, यहाँ पे 1 रुपया कर देते हैं। इसको उल्टा कर लो ना, 1 वियतनाम डोंग में 0.0032 इंडियन रुपी है, तो 1/0.0032 312.5, 1 रुपया में वहां पे वियतनाम डोंग मिलेगा 312.5, ठीक है? इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे कुछ और भी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, है बोलते हैं वहाँ पे नोट एक्सचेंज मार्केट ऐसा ऐसा है जहाँ पर आप जाइए अपना रुपया डॉलर जो देना है दे दीजिए, वो ठेला भर के आपको करेंसी देता है, आपको ठेला से ले जाना पड़ेगा, हाथ में ले जा नहीं सकते। तो भाई क्या लगता है, वियतनाम के लोग रिच है क्या? हाँ, वहाँ का करेंसी में लोगों के पास 5-5 लाख का नोट भी है। तो वहाँ पे हम लोग बोले, पूछे आप लोग फिर नाश्ता करके जब बिल पेमेंट करने जाते तो कैसे बात करते थे, वो क्या बोलते थे, कितना दो? वो बोलता था, वो लोग है ना 3 जीरो हटा के पैसा मांगता है, और अगर 400 मांगा तो 4 लाख देना है। तो उन लोग को भी तकलीफ हो रहा है ना बात करने में, 4 लाख दो, तो 400 नहीं, 400 बोला उन्हें 4 लाख, ऐसे होता है वहाँ पे, ठीक है? तो ऐसा भी मत सोचो, जैसे आप एक चीज, एक बेसिक चीज ध्यान दो, चीजों को समझो गहराई से। ऐसा सोचो, वर्ल्ड में सबसे महंगा करेंसी कौन सा इंडियन करेंसी के मुकाबले? जैसे 1 रुपया में, 1 डॉलर के लिए 70 रुपया देना पड़ता है, ऐसे यूरो में अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपीज है, फिर और भी है, हाँ कुवैती दिनार 200 से ऊपर है। सोचो एक दिनार, कुवैती दिनार लेने के लिए 200-250 रुपया लग जाएगा। तो क्या कुवैत वर्ल्ड का पावरफुल कंट्री है क्या? तो आपको पता है ऐसा नहीं है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिस गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व है,
वो बहुत पावरफुल होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और जिस गवर्नमेंट के पास बहुत कम रिजर्व है वो गवर्नमेंट कमज़ोर है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। बिकॉज मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, वैल्यू ऑफ मनी इज डिराइव फ्रॉम सेवरल फैक्टर्स, ओके, इट्स नॉट जस्ट बाई वन फैक्टर दैट गवर्नमेंट रिजर्व कितना है, ओके। नाउ अपने को बेसिक क्या जानना है कि हाउ डज वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस ओवर टाइम, अपने को क्या जानना है कि मनी का वैल्यू चेंज कैसे होगा। आइए लिखिए, इट रेफर्स टू रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू ऑफ मनी विथ टाइम इट रेफर्स टू रिलेशनशिप ऑफ वैल्यू ऑफ मनी विथ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, विथ पैसेज ऑफ टाइम इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस। With passage of time, it has been observed that value of money decreases. Next, लिखे number 4. Reasons for decrease in value of money with time. Reasons for decrease in value of money with time. हम लोग के यहाँ पे तीन मेन रीजन है, ठीक है। देर आर मनी अदर रीजन्स जिसमें अपने तीन ही पढ़ रहे हैं। पहला रीजन है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस इंक्रीज, महंगाई। किस लिए होता है ये इन्फ्लेशन? क्यों आता है? डिमांड इज मोर, सप्लाई इज लेस। सप्लाई लेस क्यों हो रहा है? देखो मेन रीजन है कि ना, हर एक प्रोडक्ट देखो, क्या तो आपका देश से आ रहा है या बाहर का देश से आ रहा है। बाहर का देश से आ रहा है तो बाहर का देश वाला हम लोग से ज्यादा चार्ज कर रहा है, ठीक है। और यहां से ही आ रहा है तो नेचुरल प्रोड्यूस से बन रहा होगा। नेचुरल प्रोड्यूस तो भगवान का जो दिया हुआ है, नेचर का, वो तो लिमिटेड सप्लाई है, तो आप धीरे धीरे कंज्यूम कर लोगे तो खत्म तो हो गए। जैसे मैंने पेट्रोलियम का एग्जांपल दिया था ना आपको, ज़्यादा कंज्यूम कर लोगे तो शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर चीज़ों की दाम बढ़ने लग जाएगी, भविष्य में पेट्रोल का कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा, कोई खरीदना नहीं चाहेगा पेट्रोल शायद, राइट। तो क्या है ये? इन्फ्लेशन, ओके। अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस का जो एक दहशत चल रहा है चारों तरफ, देख रहे हैं ना आप लोग, फॉलो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, मास्क पहन के घूम रहे क्या बाहर कोई है? ऐसे कोई मास्क पहनने से कुछ नहीं होगा। हाँ, आप में अगर वायरस आ गया तो मास्क पहनिए, ये जरूर है कि आप दूसरों तक मत फैलाइए। और ऐसे आप सोचेंगे मास्क पहन के घूमेंगे हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट थोड़ा ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, कोई अगल बगल वायरस थोड़ी घुमा रहा है आपके रास्ते में। हाँ, तेरा दोस्त घुमा रहा है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। हम लोग सब डरपोक लोग हैं, जैसे ही वायरस का अनाउंसमेंट हुआ सब कोई मास्क खरीद लिया। एक लड़का फेसबुक में फोटो लगाया, आई हैव टेकन माई प्रिकॉशन, हैव यू? इंडिया का शहर शहर से पता चल रहा है कि
सैनिटेशन क्या सैनिटाइजर खत्म हो रहा है, स्टॉक नहीं है, तो लोग डरते हैं खाली, और कुछ नहीं है, रीजन नहीं जान रहे। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ क्या हुआ कि उसके कारण वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में इफेक्ट होने लगा। तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब लोग घर पे बैठे हैं तो लोग पेट्रोल नहीं खरीद रहे, लोग कई सारा फैक्ट्री का सामान नहीं खरीद रहे, कहीं बाहर घूमने नहीं जा रहे, एरोप्लेन वाले एयरलाइंस बंद कर दिए हैं, एयरलाइंस वाले, तो फ्यूल का डिमांड अचानक से गिर गया। और अभी कल परसों में खबर आया कि ऑयल प्राइस जो यूएई से मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त क्रैश कर गया। क्यों क्रैश कर गया? क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस तो हो ही जा रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, तो क्या हुआ यहाँ पर, डिमांड इज लेस देन द सप्लाई, तो प्राइस गिर गया, डिफ्लेशन आ गया। बट ये टेम्पररी है, थोड़ा दिन बाद सब जब नॉर्मल हो जाएंगे तो सब वापस अपना ज़िंदगी तो शुरू करेंगे ही ना, तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। बट जब जब डिमांड ज़्यादा होता है सप्लाई से तो इन्फ्लेशन आता है, और डिमांड कम हो जाने से डिफ्लेशन आता है। तो अच्छा क्या होता है इकोनॉमी के लिए, इन्फ्लेशन की डिफ्लेशन, दोनों में से एक चुनना हो तो? एक चुनना हो तो इन्फ्लेशन अच्छा होता है। डिफ्लेशन से क्या होगा, इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो जाएगा, चीज़ें क्या होगी, देखो कोई भी चीज़ का अगर प्राइस गिरना शुरू होगा ना, तो प्राइस गिरेगा तो ज़रूरी नहीं है ना कॉस्ट भी इक्वली गिरे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो इकोनॉमी में प्रॉफिट नहीं आएगा तो कंपनी शट डाउन होंगी। सप्लाई इज मोर देन डिमांड ज़्यादा खतरनाक है, चीज़ों का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, लोगों का काम करने का इच्छा मर जाएगा, सब चीज़ तो ऐसे फेंका हुआ दाम पे मिल जाता है। सप्लाई इज मोर देन डिमांड, पेट्रोल पंप वाला बोल रहे ऐसे ही ले जाओ, रखने का जगह नहीं, बिक नहीं रहा। सब्जी वाला बोल रहा है तुम लेके जाओ, मैं रुपया दे रहा हूँ, खराब हो रहा है मेरे पास। सोचो डिफ्लेशन मतलब तो ऐसे ही कुछ हुआ ना। तो जो लोग जो काम कर रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो, क्यों करेंगे इतना मेहनत, क्यों करेंगे आप जिंदगी में, फिर बैठ जाएगा इकोनॉमी। इन्फ्लेशन आ रहा है इसलिए तो एक चाहत है ना, इंस्पिरेशन है कि कुछ अपने को भी कमाना है, अपने को भी बड़ा बनना है, अपने को भी बहुत रुपया कमाना है, एक एस्पिरेशन बनाता है वो इन्फ्लेशन, कमाओ आओ दौड़ो मेहनत करो। डिफ्लेशन होगा ना, ऐसा हालत हो जाएगा कि हम लोग कुछ भी करना ही नहीं चाहेंगे, सब चीज फ्री हो गया ना, सप्लाई इज मोर देन डिमांड, हाँ एनिमल्स बन जाएंगे हम लोग, सिर्फ ह्यूमन से एनिमल में कन्वर्ट हो जाएंगे, भूख लगे इधर मुंह करो खा लो, पढ़ना लिखना कुछ जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, चॉइस है आपका, तो नीड चॉइस में के लिए कौन करता है, कितना दिन तक करेगा। तो इन्फ्लेशन इज बेटर फॉर इकोनॉमी ऑलवेज, साइकोलॉजिकली ऑल्सो। एनीवेज एक कारण है इन्फ्लेशन, दूसरा कारण है सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन। नाउ व्हाट इज दिस अबाउट, सैक्रिफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन क्या है? जैसे मेरा रुपया है, मैंने आपको दिया, आप कौन, एक बिजनेस एंटिटी हो, आपने मेरा रुपया लिया, तो मैं तो अपने रुपए से आज बहुत कुछ खरीद सकता था, अपना मजा कर सकता था, बट मैंने वो नहीं किया, आपको दिया, तो मैंने अपने मज़े को, अपने प्रेजेंट कंजम्पशन को, इन्जॉयमेंट को सैक्रिफाइस किया ना आपके लिए, तो उस सैक्रिफाइस के लिए मेरे को आपसे अगली बार जब आप मेरा रुपया लौटाने आओगे तो कुछ रिवॉर्ड का एक्सपेक्टेशन होता है, अग्रीड है क्या? हाँ, मैं अगर आपका रुपया आज ले लिया तो आप
क्या अज्यूम करोगे कि देखो आज तो मैं अपने रुपए से कितना चीज खा सकता था, कितना जगह जा सकता था, बट मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो एक साल बाद जाऊंगा जब ये रुपए लौटाएंगे, तो एक साल बाद भी मैं आपको आपका रुपए लौटा दिया सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपको लगेगा तो फिर फायदा ही क्या हुआ, है कि नहीं? फिर फायदा ही क्या हुआ, कुछ एक्स्ट्रा मिलता तो फायदा होता ना। क्यों एक्स्ट्रा चाहिए? वो एक्स्ट्रा इसलिए चाहिए क्योंकि देखो एक साल बाद जब मैं आपको आपका रुपया लौटाऊंगा ना, तो आपको जो सामान मिलना है उतना मिलेगा क्या जो एक साल पहले मिलता था? क्या लगता है, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन आ ही गया होगा। तो आपने उस समय मान लीजिए उस 100 रुपए से 4 केले खरीदने का सोचा था, बट अब एक साल बाद मैं आपको आपका 100 रुपया लौटाया तो बदले में 4 केले कोई दे ही नहीं रहा, 3 ही दे रहा है। बोले क्यों इतना कम, क्यों एक कम क्यों हो गया, वो एक साल पहले तो 4 मिलता था। बोला सर मैं इन्फ्लेशन आ गया तो आपको तो 1 केला का लॉस हो गया, तो 100 के बदले 100 मिला, बट फिर भी आप बोल रहे हैं मेरे को तो लॉस हो गया, क्योंकि लॉस इज नॉट कनेक्टेड विद द अमाउंट दैट यू गेट इन रिटर्न, लॉस इज कनेक्टेड विथ योर गुड्स और सर्विस दैट यू गेट इन रिटर्न। वैल्यू का पढ़ाई सारा गुड्स और सर्विस से, तो पहले 4 मिलता था अभी 3 मिल रहा है, तो अब 4 को लेने के लिए 100 से ज़्यादा देना होगा, तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है उसके कारण क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ मनी घट रहा है। मतलब सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन जो हुआ आपका, उसके कारण आपको मेरे से एक्स्ट्रा चाहिए, यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा, वो कॉम्पेंसेशन बोलकर आप लेंगे मेरे से, वरना आपका नुकसान होगा। थर्ड आ रहा है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम क्या होता है, रिस्क प्रीमियम क्या होता है कि अगर आपने मुझे रुपया दिया तो मैं क्या पता लौटाता ही नहीं, तो आपने एक रिस्क लिया, क्या पता मेरे काम में वो रुपया डूब जाता, तो आपने रिस्क लिया, तो उस रिस्क के लिए आपको एक प्रीमियम चाहिए। ये 3 कारण है जिसके रीजन से, सोचिए एक कंपनी, अगर ऐसे सोचना मैं कंपनी चलाता हूँ, मैं कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों से 100 रुपया लिया, सोर्स किया आप लोगों से, आप शेयर होल्डर हो हमारे, और एक साल बाद आपको लौटाऊंगा, तो आप 100 ही लोगे कि 100 से ज़्यादा लोगे? नाउ डोंट थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जनरल आइडियोलॉजी दैट यू हैव, यू थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। अगर ये आप हो, आपने अपना 100 रुपया मुझे दिया, ठीक, तो 1 ईयर लेटर जब मैं आपको आपका 100 रुपया लौटा रहा हूँ, तो आपको दिक्कत क्या, आपको नुकसान क्या हो गया, ये बताइए ना। आपको तो आपका 100 रुपया लौटा दिया मैंने, आपको नुकसान क्या हुआ, 100 लिया 100 लौटा दिया। देखो बात ये है कि ध्यान से समझना, आप असली FM चालू हो रहा है, आप अपने एंगल से सोचना, मेरे एंगल से नहीं, मैं कंपनी हूँ, आप मेरे को भूल जाइए, आप अपने एंगल से सोचिए, आप शेयर होल्डर हो, आपका इस 100 रुपए के बदले आज इतना सामान मिलता आपको, ठीक, आप क्या चाहोगे कि एक साल बाद मेरे को वापस जब कंपनी से रुपया मिला, तो इससे तो थोड़ा ज़्यादा मिले तब ना फायदा हुआ, नहीं तो आप मुझे रुपया क्यों दोगे अपना। और बींग फाइनेंस मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, आई हैव माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई शुड फुलफिल योर एक्सपेक्टेशन, इफ आई एम नॉट फुलफिलिंग विल यू गिव मी द मनी अगेन? नो। अरे वर्स्ट सिनेरियो में मेरे को ध्यान रखना होगा कि आपका हिसाब बराबर रहे। पहले अगर बराबर ही करने का सोचें, तो एक साल में इन्फ्लेशन आ चुका है, ठीक, जिसके कारण अगर इन्फ्लेशन रेट समझो 10% है, सोचो जो चीज़ यहाँ पे आता था 100 में, अब कितना में आएगा, हाँ 110, उतना ही चीज़ लेना है मेरे को, ज़्यादा नहीं लेना। अगर मैं सेम ही रख के दूँ आपको, तो यहाँ पे 10 तो ज़्यादा देना ही पड़ेगा मेरे को। अगर मैं 100 ही लौटाया आपको, तो रियल टर्म्स में आपको लॉस हो जाएगा। अगर मैं कंपनी हूँ, मैंने आपका 100 लिया, एक साल बाद 100 ही लौटाया, तो आपको रियल टर्म में लॉस हो गया। आप बोलेंगे फ़ायदा नहीं हुआ, आपको ऐसे
दिखाया जाएगा, देखो सब ठीक ही है, आप लोग को ये सब स्टैट्स में भी सिखाया जाता था, रियल टर्म्स में देखो तो इसको फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। जैसे कंपनी अपना इम्प्लॉई का सैलरी हर हर साल है ना 2% बढ़ा देता है, बट महंगाई आ जाता है 10%, तो क्या वाकई में उस इम्प्लॉई का सैलरी बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली महंगाई अगर 10% आ रहा है तो कोप अप नहीं कर पाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पर 100 का अगर मैं 110 दे रहा हूँ तो मैं कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहा, 100 का 110 से तो हिसाब बराबर है। तो अगर मैं 100 का 110 दिया तो आपके लिए कोई 10 रुपया बेनिफिट हुआ क्या? बेनिफिट कहाँ हुआ, तो सामान उतना ही आ रहा है। इट इज सेम, अज्यूम करो ये सेम है, सेम चीज लाने के लिए 10 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। मेरा एज अ फाइनेंस मैनेजर एक जिम्मेदारी है कि मैं जिनसे रुपया लाऊं उनका एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करूं, उनको नुकसान ना होने दूं। अगर मैं ऐसा सोच के फाइनेंस मैनेज करूंगा ना तो मेरे पास फिर लोग रुपया देने आएंगे, नहीं तो मेरे को फिर रुपया कोई नहीं देगा। ठीक, अब बात आता है कि सिर्फ 100 का 110 से अगर आपको कोई फायदा ही नहीं हुआ, आपका सामान उतना ही मिला, तो आप मुझे फिर रुपया क्यों दोगे? सीधी सी बात, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ना, आप मेरे कारण कुछ एक्स्ट्रा ले पाए तब तो फायदा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब वो एक्स्ट्रा आप क्या बोल के मांगोगे? दो चीज बोल के मांगते हो। एक, पहला बोलते हो, सतीश सर आपका कंपनी में रुपया दिया तो मैं आज ही इतना सारा सामान लेके कंज्यूम कर सकता था, आज ही मजे कर सकता था, मैंने तो अपना मजा को भी एक साल डिले किया, उस मजा को सैक्रिफाइस करने का मेरे को कुछ कॉम्पेंसेशन मिल सकता है? समझ में आया? मेरा शेयर होल्डर क्या बोल रहा है, मेरा मजा जो सैक्रिफाइस हो गया उसका कॉम्पेंसेशन। तो बोले ठीक है, वो कॉम्पेंसेशन का हम लोग ने नाम रखा हुआ है सैक्रिफाइस फॉर प्रेजेंट कॉम्पेंसेशन, उसका कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। प्रेजेंट कंजम्पशन का कॉम्पेंसेशन इट इज इक्वल टू से 8% आपने दिया, मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर को दिया, तो ये जो एक्स्ट्रा मिला ना इससे आपको अच्छा लगेगा, वो चलो एक्स्ट्रा है, मैं इससे ज़्यादा सामान खरीद सकता हूँ। और एक एक्स्ट्रा क्या दिया जाता है कि आप अगर हमारे यहाँ रुपया लगाए तो एक तरह से रिस्क भी लिए। रिस्क क्या चीज़ का लिया कि ये रुपया क्या पता वापस ही नहीं आता, तो वो रिस्क जो लिए एक्स्ट्रा, एक तो आपने सेक्रीफाइस किया और दूसरा रिस्क भी तो लिया, तो दोनों चीज का रिस्क प्रीमियम, रिस्क लिया इसलिए रिस्क का प्रीमियम बोलते हैं, वो मान लीजिए 6%, वो मैंने अपने तरफ से दे दिया। तो जब मैं 10, 8 और 6 मिला के 24% आपको दिया ना, ये 24% 100 प्लस 24 मिलाकर 124 हुआ, और ये 124 जब आपको मिला तो आप उस 124 से जब सामान खरीदने जाओगे तो पिछले वाले से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, तो आपको अच्छा लगेगा और आप मेरे को फिर रुपया दोगे। ठीक है, ये तीनों को मिला के दोस्तों एक वर्ड बना दिया गया आपके पढ़ाई में, ये तीनों का कंबाइंड नेम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पढ़े ना आप लोग, वर्ड मैथ्स में आता है ना इंटरेस्ट, जैसे शेयर होल्डर या मनी प्रोवाइडर का क्या इंटरेस्ट है मनी देने का? इंटरेस्ट माने क्या होता है? इच्छा बोलते हैं ना हिंदी में, ऐसे बोले तो इंटरेस्ट माने लिटरल मीनिंग क्या है, मैथमेटिकल मीनिंग नहीं, मेरा क्या इंटरेस्ट है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड इन, मेरी इच्छा क्या चीज़ में, मेरा मन क्या चीज़ में। इंटरेस्ट आपका कब जागेगा एज ए मनी प्रोवाइडर? जब आपका असली रुपया भी मिल जाए प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले, तो एक्स्ट्रा खाली इन्फ्लेशन देने से एक्स्ट्रा हो जाता है क्या? नहीं होता, रियल सेंस में नहीं होता। तो इसलिए और दो चीज़ का एक्स्ट्रा दिया जाता है, क्या चीज़ का? रिस्क का और सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन का। ये देने से हमारे शेयर होल्डर को क्या लगता है कि हाँ बदले में कुछ मिला। तो हम लोग वैसे इतना ब्रेकअप करके हर बार सोचेंगे ना तो हम लोग एज ए कंपनी चलाने वाले हम लोग पजल्ड हो जाएंगे, अरे बाबा तीन तीन चीज का जोड़ो, इससे अच्छा एक ही फिगर ध्यान रखो इंटरेस्ट रेट। बट इंटरेस्ट कैसे बना है, हाउ इज इंटरेस्ट फॉर्म? एक इंटरेस्ट का रेट आप लोग सुनते हो ना मार्केट में चल रहा है इंटरेस्ट रेट अभी, ये तो वो इंटरेस्ट रेट कैसे फॉर्म किया गया है, वो ये तीन चीज़ें। हाँ अब ये बात जरूर है कि इसमें ये दो चीज़ है ना, ये वाला, ये कोई ऐसा बैरोमीटर नहीं है इसका कि इससे पता चलेगा कि इतना ही चाहिए, ये आपका एक गेम है, जुआ है, कितना दे सकते हो, कितना चाहिए, सामने वाले का नेगोशिएशन के ऊपर है, वन टू वन डिपेंड करता है।
मतलब कुछ कंपनी रिस्क प्रीमियम बोल के 6% देती होगी, तो कुछ 2 ही देती होगी, कुछ 10 देती होगी, वो अपना कंपनी का एक कैलकुलेशन है। ये सब आपको फाइनल में पढ़ाया जाता है, हाउ टू मेजर रिस्क। कंपनी अपना रिस्क भी मेजर करता है, जिसमें ज़्यादा रिस्क होगा वो ज़्यादा प्रीमियम देगा, जिसमें कम रिस्क होगा वो कम प्रीमियम देगा। अपने कई बार ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं एज एन इन्वेस्टर, हम लोग को कोई आके बोले तो पता है इस कंपनी में रुपया लगा 10 का 20 होता है एक साल में, मतलब 10 का 20 देता है वो कंपनी, तो मतलब इन्फ्लेशन का देता है क्या? नहीं, इन्फ्लेशन का तो ज़्यादा कोई क्यों देगा, क्योंकि वो तो बैरोमीटर डिसाइडेड है, गवर्नमेंट का इतना बढ़िया कैलकुलेशन आता है हर साल कितना इन्फ्लेशन हो रहा है, तो वो तो पता चल जाता है इन्फ्लेशन का इतना ही होता है, तो फिर एक्स्ट्रा क्या चीज़ का दे रहा है? एक्स्ट्रा वो सेक्रीफाइस का और रिस्क प्रीमियम का दे रहा है, तो वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है? इसका कोई मापदंड नहीं है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है। तो आप ये समझ के रखो, वो एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा है क्योंकि उसके यहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो कल को कंपनी भागेगा भी तो पूरा लेके भाग सकता है भैया। और ऐसा आपको दिखा रहा है कि मैं इतना ज़्यादा आपको देता हूँ, तो बदले में कुछ ना कुछ अंदर में रिस्क तो होगा ही ना, नहीं तो अदरवाइज कोई क्यों देगा इतना ज़्यादा? कॉमन सेंस है ना। तो ये सब चीज़ आपको भी अपने लेवल पे समझना है, खाली अट्रैक्ट नहीं हो जाना रिटर्न क्या मिल रहा है। हम लोग रिटर्न के प्रति पागल हो जाते हैं, हम लोग सोचते नहीं उसके पीछे का रिस्क क्या है। कोई एक्स्ट्रा रिटर्न क्यों देगा आपको? इंटरेस्ट बोल के दे रहा है या रिटर्न बोल के दे रहा है? कुछ आजकल नया जमाना में वर्ड हो गया इंटरेस्ट की जगह रिटर्न, और एक वर्ड हो गया यील्ड, YIELD। ये सब टर्मिनोलॉजी है वैसे अलग अलग FM में, बट रियल वर्ल्ड में हम लोग इसको सब साथ साथ यूज़ करते हैं, इंटरेस्ट रिटर्न यील्ड। बट ये सब के पीछे हम एक वन साइडेड हो जाते हैं, रिटर्न इतना मिलेगा वाह वाह दे दो, बट पीछे का रिस्क भी तो समझो, क्योंकि रिटर्न में तीन ही चीज़ है, इन्फ्लेशन है, सेक्रीफाइस है और रिस्क प्रीमियम है। इन्फ्लेशन का डेटा तो गूगल करके मिल जाएगा, इतना इन्फ्लेशन है तो हिसाब से तो उतना ही देना चाहिए, तो एक्स्ट्रा क्या चीज़ का दे रहा है? रिस्क का दे रहा है, तो उसके पास रिस्क है इसलिए इतना रिटर्न दे रहा है, कोई नहीं तो इतना रिटर्न देगा क्यों? समझ में आया? इसलिए बहुत ज़्यादा रिटर्न के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे रिस्क भी तो होगा, रिस्क वो हम ध्यान देने नहीं जाते, राइट? सो आपको समझ में आया कि व्हाट इज एक्चुअली इंटरेस्ट कंपोज ऑफ? ये तीन आपने लिखा, ऊपर में लिखो इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट, लिख लिया ना? तो इंटरेस्ट हैज गॉट 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन्फ्लेशन, सेक्रीफाइस ऑफ प्रेजेंट कंजम्पशन एंड रिस्क प्रीमियम। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।